हेलो नया गाँव वालों, तो हम एंटर करने जा रहे हैं नया गाँव में और मैं आज आपको बताऊंगा कि मेन रीज़न क्या है हमारे नया गाँव में भीड़ के। जैसे कि आप देख रहे हैं हम बैरियल से एंट्री कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इतनी सब्जी वाले हैं, इतने सब्जी वाले हैं जितने सब्जी 26 की मंडी में नहीं होते हैं। और यहाँ पे मेन का रीज़न ये है कि बंदे सब्जी लेने आते हैं तो वो आधी सड़क पर ये रेडी वाले खड़े होते हैं, आधी सड़क पर इनसे जो सामान ले रहा है वो खड़ा होता है। तो आने जाने के लिए सड़क बहुत कम बस्ती है। हम एंटर कर चुके हैं बैरियर से, आप देख रहे हैं। अब पहले इस साइड ही यहाँ पे जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ना, इस एंटर साइड पे या इंजीनियरिंग कॉलेज की साइड पे, पहले यहाँ पे ही रेडियां खड़ी होती थी, अब इसके दूसरी साइड भी खड़ने लग गई हैं। तो दोस्तों सबसे मेन रीज़न तो यही है हमारी सड़कों पर भीड़ होने का। हमारी ये 33 फुट की रोड जो कि रेडी और इनसे खरीदने वाले सामान वालों की वजह से करीबन 10 फुट ही हम यूज़ कर पाते हैं। ये हमारा आ गया जी ठेका, जो कि हमारे नया गाँव की शान है ये कह सकते हो आप। ये साल के 365 दिन खुला रहता है। ये आ गया अशोका इंटरप्राइजेस, इसके सामने भी काफ़ी शॉप्स लगती हैं। इस साइड पे आप देख रहे हैं ये हमारा पहलवान स्वीट्स आ गया है, यहाँ पे भी खड़े हैं भाई साहब। ये गई जी 23 नंबर बस और अब हम एंट्री कर रहे हैं भाटिया स्वीट्स के सामने से, जहाँ की हमारा फेमस गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बड़ साहिब नया गाँव। ये लो जी यहाँ रेडियाँ दुनिया भर की आपको नज़र आएंगी। अब यहीं से फुल शुरू हो जाती हैं। इस टाइम पे भीड़ कम है बिकॉज़ ये 10 बजे का टाइम है। अभी आप बिजी आवर्स में अगर जाओगे, ये आपको आधा किलोमीटर की रोड है मेन रोड मेन मार्केट की, इसे क्रॉस करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और ये सब देख सकते हो आप, शॉप वालों ने आधी से ज़्यादा सड़क घेरी हुई है अपना सामान डिस्प्ले करने के लिए बस। और यहाँ पर नो पार्किंग में सबसे ज़्यादा पार्किंग होती है। ये पाल ढाबा, मतलब सारे आप देख सकते हैं जितने भी आउटलेट्स, जितनी भी शॉप्स हैं ये बाहर, मतलब 26 में मंडी में जितनी रेड़ियाँ सब्जियाँ नहीं बिकती उससे ज़्यादा यहाँ बिक रही हैं। और ये सामान सारे जितने भी शॉप्स ओनर्स हैं उन्होंने भी करीबन 5 से 6 फुट की जगह में अपना सामान बाहर लगाया हुआ है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आने जाने वाली सवारियाँ जितने भी यहाँ पर आते हैं, आना जाना करते हैं इस सड़क से रोज़ाना। और बिजी आवर्स में ये यहाँ सड़क आपको दिखाई नहीं देगी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप, सभी ऑलमोस्ट जितने भी शॉप ओनर्स हैं, किसी एक को ब्लेम नहीं करूँगा मैं बिकॉज आप देख रहे हैं दोनों साइड्स के, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए अभी आप जो मेन जहाँ से हम निकल रहे हैं वहाँ कितना एरिया बसता है। ये करीबन 33 से 35 फुट की रोड है हमारी नया गाँव की मेन मार्केट की, और यहाँ पे आपको मेन 10 फीट का भी रास्ता नहीं बचा है अभी। और ये करीबन 10 बजने वाले हैं अभी, उस टाइम की वीडियो है जिस टाइम पे रश नहीं होना चाहिए बेसिकली अभी इस टाइम पे, बट फिर भी अभी भी ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरा तो यही गुजारिश है और एक एडवाइस है कि यहाँ के जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारा नया गाँव का, एमसी ऑफिस वाले हैं, म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, उनको इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना हों। और मार्केट एसोसिएशन को उनका हेल्प लेनी चाहिए या अपने रूल्स वगैरह बनाने चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नया गाँव के पेज को और आगे ले जाइए और हमारी हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कीजिए नया गाँव से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।